हेलो दोस्तों, आई एम कुश। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे, सभी केबल्स को कनेक्ट करने के बाद ये सब मैं बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने माउस का उपयोग कर सकते हैं और कितने बटन्स होते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है मेरा माउस। तो इसमें होता है एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और ये स्क्रॉल डाउन बटन। इसमें तीन बटन्स होते हैं और ये इसका माउस पैड होता है, जिसमें हम लोग अपने माउस को इधर उधर सरका सकते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो इधर उधर जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन में और अधिक इसका क्या क्या यूज है और क्या क्या प्रयोग है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन दबाए, ताकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए देख लेते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे। जैसा कि मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे, है ना। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा माउस पॉइंटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट बटन का यूज, है ना। तो जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन ये दिया गया है, उसको ओपन करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज हम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि ये हो गया, इसको इस पे ले जाकर हम लोग क्लिक किए लेफ्ट बटन, तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद एक बार किए तो सेलेक्ट हुआ, अगर दो बार क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं करता हूँ, ये देख सकते हैं, ये दो बार क्लिक किया तो अपना ये कोई भी विंडो जो भी है वो कंट्रोल पैनल ये खुल गया, है ना, कोई भी एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ से कट करने के लिए, ये कुछ भी करने के लिए, जो इसको दबाने के लिए, ये सब इसको, ये सब सिस्टम एंड सिक्योरिटी नेटवर्क एंड इंटरनेट हार्डवेयर एंड साउंड, किसी को भी ओपन करने के लिए हम लोग अपने लेफ्ट बटन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने पीसी में, है ना, माय पीसी में। माय पीसी को दो बार क्लिक करके ओपन किया अपने लेफ्ट बटन से, फिर इसमें के कोई भी ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने म्यूजिक वॉल्यूम वाला ओपन कर लेता हूँ दो बार क्लिक करके। और एक और बात, इसको जैसे कि ओपन करने हैं तो दो बार क्लिक किया, उसके बाद ये ओपन हुआ, है ना, और ये ओपन हो गया, ये देख सकते हैं, है ना। दो दो बार क्लिक करने के बाद किसी को भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, ऐसा, है ना। और अपने स्क्रॉल का यूज होता है, ये देख सकते हैं, इसमें अपने स्क्रॉल का यूज भी कर, मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये बहुत सारा सॉन्ग आ गया है, उसमें ये देख सकते हैं अपना स्क्रॉल को अप डाउन करेंगे तो ये सॉन्ग नीचे का जितना भी है वो सब दिखता जाएगा, है ना। जैसे कि ये मैं अप कर रहा हूँ तो सॉन्ग जितना ऊपर में था ये ऊपर दिखने लगा है, और जिस नीचे करूँगा, डाउन करूँगा, तो ये अपना स्क्रॉल, ये सब सॉन्ग भी डाउन होगा, स्क्रॉल भी होता जाएगा, ऐसा टाइप का यूज होता है ना। और जैसे कि हमको इन सभी सॉन्ग को सेलेक्ट करना है ना, तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग लेफ्ट बटन, यहाँ से ना एक को ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, सभी को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से करना है क्लिक, और क्लिक करे ही रहना है ना, फिर उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक किए ही रहना, फिर उसके बाद ऐसे लेकर जाना है, ऐसे 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 अपने माउस पैड के मदद से ऐसे नीचे, तो ये सब सेलेक्ट होता जाएगा, है ना। ऐसे करते जाएंगे तो ये सब सेलेक्ट होता जाएगा, ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और हो जाने के बाद आप लोग ऐसे क्लिक करके एक बार छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर अपना यूज कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ऐसे कट कर सकते हैं, और फिर हम लोग अपना कंप्यूटर का, अपने माउस का राइट बटन है वो यूज बताता हूँ मैं।
तो जैसे कि हम लोग सिंपली राइट बटन को एक बार प्रेस करते हैं एक बार, तो ये मेनू ओपन हो जाता है ना। ये सब मेनू के बारे में बाद में समझेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन है कोई भी, है ना, तो हम लोग अपना इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए जैसे कि ये है, ये प्रेस किया है ना, हम लोग अपने लेफ्ट बटन से प्रेस करके ओपन करते थे दो बार प्रेस करके। अब हमको एक बार प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जब हम लोग लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा। ये मेन्यू ओपन होगा तो हम लोग इसके द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट बटन का यही, राइट बटन का यही यूज होता है, ऐसे करके ओपन कर सकते हैं ना। ऐसे करके यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट एंड जो भी है वो आ जाएगा, है ना। ऐसे करके यहाँ से अपना कट कर सकते हैं, है ना। लेफ्ट बटन का यही, राइट बटन का यही यूज होता है। ये देख सकते हैं, ऐसे ओपन कर सकते हैं। राइट बटन को पहले क्लिक करेंगे तो ये सब खुलता है ना। उसके बाद हम लोग अपने लेफ्ट बटन से भी ये सब होम, ये सब ऑल एप्स, पावर, ये सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें।